सुबह उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी और कस्बा पीरपुर, यहाँ रात को करीब 2:30 बजे एक महिला जोर जोर से चीखती है और उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। महिला रोते हुए कहती है कि उसके पति की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है और फरार हो गया है। ये बात सुनकर घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी सन्न रह जाते हैं। तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई और करीब 3 बजे रात में पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और घटना वाली जगह का मुआयना शुरू करती है। क्योंकि सबसे पहले डेड बॉडी को मृतक की पत्नी ने ही देखा था तो पूछताछ भी वहीं से शुरू होती है। महिला ने जो बयान दिया था उससे पुलिस तुरंत समझ जाती है कि घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पत्नी ही है। इसके बाद पुलिस ने जब थाने में पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी कहानी खुल गई, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। आरोप है कि मृतक विनय राज के घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, सबने मिलकर पार्टी की और शराब पी। शराब पीने को लेकर पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद नशे में धुत विनय राज के सिर पर पत्नी राधा ने बांका से ताबड़तोड़ हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो घर से बाहर आई और चीखने चिल्लाने लगी कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें घटना स्थल पर खून के छींटे और हत्या में इस्तेमाल बांका भी मिल गया। महिला के कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था, लेकिन वो कह रही थी कि वो टॉयलेट करके वापस लौटी थी, तभी देखा कि पति की हत्या करके कोई भाग गया है। महिला की बातों पर शक होने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, इस पर उसने सच कबूल लिया। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। मृतक विनय की मां का कहना है कि रिश्तेदार के साथ विनय ने शराब पी और खाना खाया, जिसके बाद ये घटना घटी। विनय की मां के मुताबिक विनय और राधा में अक्सर लड़ाइयां होती ही रहती थी। हाँ, दो लोगों का नहीं जाए थे, कहा कि हाँ दो लोग अज्ञात तो आए, दारू आई, पीन खाइन, बाहरी बनी खाइन, उसकी बाद में यहाँ बैठ बतला गए। उसके बाद में हम पहुड़ कर लेट गए, दिन हम साहब निराई रहा खेत कर गए थक और गए सोए साहब, हम जाने नहीं पाए कुछ। तो सवेरे अपने चिल्ला, सवेरे अपने चिल्ला छक्का अम्मा देखो मन लेकर का हीगा को कहा वही का औरत कही और का नाम है उसका राधा नाम राधा नाम राधा रानी गई मैका कहाँ गए विराही बाप का विराही किसके यहाँ का बाप का नाम का है राधा के खिलावन खिलावन नाम तो बाद में क्या हुआ फिर साहब हम जब चिल्लाम तब हम जाने पाए तब और हम बाकी नहीं जाने पाए सुबह कै बजे चिल्लानी है चिड़ैया 2:30 बजे 2:30 बजे 3 बजे पुलिस आई है। चोट लगा था लड़का आपके कहाँ चोट है चोट है से चोट है बांका का इस सनसनीखेज हत्याकांड पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विनय के भाई विजय की ओर से हत्या का केस दर्ज कराया गया है। परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। हत्या का आरोप पत्नी पर है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोठी के अंतर्गत ग्राम तीरपुर में एक विनय राज नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, जिसका अपनी पत्नी राधा से मनमुटाव चल रहा था, आज भोर में किसी बात पर विवाद होने पर उसकी पत्नी के द्वारा धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया, जिससे विनय राज की मौके पर मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में विनय राज के भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त हुआ, जिसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत करते हुए फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया। मौके पर सारा साक्ष्य संकलन किया गया, आला कतल के साथ ही अभियुक्ता को हिरासत में ले लिया गया है। इसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।